My name is Mini Sethi. Today I'm going to discuss about models of organizational behavior. जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं autocratic model. सबसे पहला model कौन सा है? Autocratic model. Autocratic model based on power. Autocratic model किस पे based है? Power पे based है. Authority पे based है. ठीक है? इसमें क्या होता है? मैनेजमेंट अपनी पावर दिखा के, अपनी पोजिशनल पावर दिखा के अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाता है. वो उनको कहता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा और तुम्हें मेरे ऑर्डर फुलफिल करने ही करने हैं. इसमें मैनेजमेंट क्या दिखाता है? अपनी पावर दिखाता है, अपनी पोजिशनल पावर दिखाता है, अपनी अथॉरिटी दिखाता है. उस बेस पर वो अपने सबऑर्डिनेट से काम लेता है. इसमें बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट क्या करता है, अपने एम्प्लॉइज को अपनी पावर दिखा के, अपनी पोजिशनल पावर दिखा के उनसे काम निकलवाता है. और ये जैसे क्या है, आपका मैनेजर है और ये क्या है, आपके सबोर्डिनेट है. ओके, तो सारी पावर किसके हाथ में? आपके मैनेजर के हाथ में है. और एम्प्लॉइज को क्या करना है, मैनेजमेंट ने जो भी ऑर्डर दिया है उन्हें क्या करना है, ओबे करना है. सारी पावर किसके हाथ में? आपके मैनेजर के हाथ में है. एम्प्लॉइज को क्या करना है, जो मैनेजमेंट ने ऑर्डर दिया उनको फुलफिल करना है. और ऑर्डर भी कैसे फुलफिल करना है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन. उन्हें मैनेजमेंट को कोई सजेशन नहीं देने, कोई आइडियाज नहीं देने, मीन अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलाना. जैसा मैनेजमेंट ने कहा एज इट इज उनको वैसा ही करके मैनेजमेंट को वापस देना. उनको कोई अपने सजेशन नहीं देने, कोई अपने आइडियाज नहीं देने, कोई अपना ओपिनियन शेयर नहीं करना मैनेजमेंट के साथ. मैनेजमेंट ने उनको जैसे बोला एज इट इज उनको फुलफिल करना है. और इसमें मैनेजमेंट की अपनी पावर के बेस पे काम निकलवाता है. मैं तुम्हारा क्या हूँ, बॉस हूँ, मैंने तुम्हें जो ऑर्डर दिया वो तुम्हें फुलफिल करने है. चाहे वो तुम हंस के फुलफिल करो, चाहे वो तुम रो के फुलफिल करो, तुम्हें वो ऑर्डर फुलफिल करने ही करने है. और मैनेजमेंट को कोई सजेशन नहीं देने, अपने कोई आइडियाज नहीं देने, बस मैनेजमेंट के दिए हुए ऑर्डर को आपको फुलफिल करना है. तो ऑटोक्रेटिक मॉडल का बेस क्या है, पावर दिखा के अपने एम्प्लॉय से काम निकलवाना, अपनी पोजिशनल पावर दिखा के, अपनी अथॉरिटी दिखा के. ओके, और इसमें क्या है, एम्प्लॉयज की जो नीड्स है उनको मिनिमम फुलफिल किया जाता है. सिर्फ जो बेसिक नीड है उनकी तरफ ध्यान दिया जाता है. सिर्फ एम्प्लॉयज की बेसिक नीड की तरफ ध्यान दिया जाता है. उनको खाने पीने का दे दिया, क्लोथिंग नीड्स फुलफिल कर दी, सिर्फ जो जीने के लिए नीड जरूरी है ना उनको ही कंसीडर किया जाता है. इसमें क्या किया जाता है, पावर बेस्ड, अपनी पावर दिखा के मैनेजमेंट एम्प्लॉयज से काम निकलवाता है, एम्प्लॉयज की तरफ बेसिक नीड को कंसीडर करता है. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें परफॉर्मेंस क्या रहती है, मिनिमम रहती है, मिनिमम परफॉर्मेंस. कुछ लोग तो फिर भी परफॉर्म कर लेते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है कि उनसे सजेशन लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं. लेकिन बहुत सारे लोग क्या चाहते हैं कि उनको भी वैल्यूज दी जाए, उनको भी पूछा जाए, उनको एज अ मशीन ट्रीट ना किया जाए बल्कि उनको एज अ इंसान ट्रीट किया जाए, उनसे भी आइडियाज लिए जाए, उनको भी कंसिडर किया जाए. बहुत लोगों की इच्छा होती है. ठीक है, जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती ना तो हम क्या करते हैं, कोई भी काम बड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ करते हैं, दिल से नहीं करते. जब हम कोई काम दिल से नहीं करते तो परफॉर्मेंस तो अच्छी होगी नहीं होगी. इसमें इसके अपना काम क्या, दिल से परफॉर्म नहीं करते बल्कि फ्रस्ट्रेशन से परफॉर्म करते हैं. यही कारण है कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, मिनिमम रहती है, ज्यादा अच्छी नहीं रहती. ये क्या था, ऑटोक्रेटिक मॉडल के बारे में था, जो पावर पे बेस्ड है. एम्प्लॉइज को मैनेजमेंट के दिए हुए ऑर्डर को फुलफिल करना, सिर्फ उनकी बेसिक नीड को कंसिडर किया जाता है और इसमें परफॉर्मेंस क्या, मिनिमम ही रहती है. ठीक है, ये फर्स्ट मॉडल है. अब हम सेकेंड मॉडल के बारे में थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं. सेकेंड मॉडल क्या है, कस्टोडियल मॉडल. ठीक है, अब ये कस्टोडियल मॉडल क्या है, कस्टोडियल मॉडल क्या है, बेस्ड ऑन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी. किस पे बेस्ड है, सिक्योरिटी पे बेस्ड है. कौन सी सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी. इसमें मैनेजमेंट क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को इकोनॉमिकल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा के उनसे काम निकलवाता है. इकोनॉमिकल सिक्योरिटी कैसे, जो जितना अच्छा काम करेगा, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसे उतने ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, उसे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे. इसमें मेन हेडलाइन क्या होती है मैनेजमेंट की, अगर जो अच्छा काम करेगा, जो ज्यादा काम करेगा उसे उतने ज्यादा रिवॉर्ड मिलेंगे, उसे उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, उसे उतने ज्यादा वेजेस मिलेंगे. इसमें मैनेजमेंट क्या करता है, पैसों के दम पर एम्प्लॉय से काम करवाता है, उन्हें उनकी इकोनॉमिकल नीड्स को फुलफिल करके, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा के, उनको वेजेस अच्छे दे के, उनको अदर बेनिफिट्स दे के, उनको कुछ फैसिलिटी दे के उनसे काम निकलवाता है. इस मॉडल का बेस्ड क्या है, आप इकोनॉमिकल रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा के अपने एम्प्लॉय से काम करवाते हो. ठीक है, जो इसमें मेन जो मैनेजमेंट का हथियार क्या होता है, मनी.
एम्प्लॉयज को वेजेस प्रोवाइड करा देना, कुछ अदर फैसिलिटी दे देना, इस बेस पे उनको उनसे काम निकलवाना। जो जितना अच्छा काम करेगा, जो जितना ज्यादा काम करेगा, उसे उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉयज का बेस क्या होता है, इसमें मैनेजमेंट का बेस क्या होता है, काम निकलवाने का, पैसा प्रोवाइड करवाना, मनी प्रोवाइड करना। और इसमें एम्प्लॉयज को क्या चाहिए होता है, सिक्योरिटी। ठीक है, उन्हें ऑब्वियसली अगर पैसा मिलेगा, सिक्योरिटी भी अपने आप आएगी उनके पास। मनी से तो सिक्योरिटी आती है, हमें लगता है कि हमारा पैसा है तो हमारा फ्यूचर सेफ है। इसमें मैनेजमेंट का मेन हथियार क्या है, इम्प्लॉयज को पैसा दिखा के उनसे काम निकलवाना, और इम्प्लॉयज की क्या, सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई हो जाती है इसमें। ओके, तो कस्टोडियल मॉडल का मेन बेस क्या है, पैसा दिखा के, वेजेस देकर, उनको कुछ फैसिलिटी देकर उनसे काम निकलवाना। इसमें मेन कमी पता क्या है, लैक ऑफ कोऑपरेशन। इसमें टीम वर्क को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता, हर कोई दूसरे को पीछे काटने में लगा, हर कोई दूसरे से आगे बढ़ने में लगा। उनको ऐसा लगता है कि हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें ज्यादा पैसे मिलेंगे, दूसरों को ऐसा लगता है मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे इससे ज्यादा पैसे लगेंगे। हर कोई ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, ज्यादा रिवॉर्ड पाने के चक्कर में बिल्कुल भी टीम वर्क या बिल्कुल भी कोऑपरेशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इसमें कोऑपरेशन के नन बिल्कुल जीरो के बराबर होता है। ओके, तो इसमें लैक ऑफ कोऑपरेशन होता है। ओके, तो ये था कस्टोडियल मॉडल, जिसमें मैनेजमेंट क्या करता है, पैसा दिखा के लोगों की इकोनॉमिकल नीड को सेटिस्फाई करके उनसे काम निकलवाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सपोर्टिव मॉडल के बारे में। सपोर्टिव मॉडल इज माय फेवरेट मॉडल। इसमें क्या करता है, मैनेजमेंट एक अच्छा लीडर बनता है। इसमें मैनेजमेंट क्या करता है, अच्छा लीडर बनता है। इसमें मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, सपोर्ट देता है, उन्हें आगे बढ़ने में सपोर्ट देता है। अगर हमें कोई आगे बढ़ने में सपोर्ट दे तो इससे अच्छी बात क्या है, अगर हमें कोई मोटिवेट करे तो इससे अच्छी बात क्या है। लोग तो एक दूसरे को डीमोटिवेट करते हैं, लोग तो डीमोरलाइज करते हैं, ऐसी ऐसी बात करते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें मोटिवेट करे, जो हमें सपोर्ट दे, जो हमें आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करे, उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। इसमें मैनेजमेंट क्या करता है, एज अ लीडर रोल परफॉर्म करता है, अपने एम्प्लॉइज को आगे बढ़ने में हेल्प करता है, उनकी स्किल को आइडेंटिफाई करता है, उनको बोलता है तुम इनिशिएट करो, तुम परफॉर्म करो, कोई गलती हो जाएगी तो मैं हूं ना तुम्हें गाइडलाइन करने के लिए, गाइडलाइन देने के लिए, मैं हूं ना तुम्हारी मिस्टेक को इंप्रूव करने के लिए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस तरह का एटीट्यूड होता है मैनेजमेंट का। इसमें मैनेजमेंट क्या करता है, एज अ लीडर परफॉर्म करता है। ये मॉडल क्या, बेसिकली लीडरशिप पे बेस्ड है। इसमें एक मैनेजर क्या है, लीडर का रोल परफॉर्म करता है, एक अच्छे लीडर का, जो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, जो अपने एम्प्लॉय को सपोर्ट करता है, आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। तो सपोर्टिव मॉडल में इसमें मैनेजर क्या करता है, एज अ लीडर परफॉर्म करता है, जो अपने एम्प्लॉयज को आगे बढ़ने में सपोर्ट करता है। ओके, ये है हमारा थर्ड सपोर्टिव मॉडल। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ मॉडल के बारे में। फोर्थ मॉडल क्या, कोलेजियल मॉडल। ठीक है, अब ये मॉडल क्या बोलता है, कोलेजियल मॉडल बेसिकली बात करता है, ये क्या है, सपोर्टिव मॉडल का ये एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, ये क्या है, सपोर्टिव मॉडल का एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, सपोर्टिव मॉडल का एक्सटेंडेड वर्जन कैसे है, इसमें मैनेजमेंट बेसिकली क्या, इसमें इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करता है जिसमें कोई बॉस नहीं है, कोई उसका सबऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या, सब इक्वल है, सभी एज अ पार्टनर काम करेंगे, सभी एज अ कोलीग्स काम करेंगे। इस मॉडल की मेन हेडलाइन क्या है, इसमें कोई किसी का बॉस नहीं है, सभी क्या है, सेम है। ठीक है, सभी सेम लेवल पे काम करेंगे, सभी एज अ पार्टनर्स काम करेंगे, सभी एज अ कोलीग्स काम करेंगे। बेसिकली ये टीम वर्क पे बेस्ड होता है, बेसिकली ये पार्टनरशिप पे बेस्ड होता है, ये टीम वर्क पे बेस्ड होता है। कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी को ऑर्डर नहीं देगा, सभी क्या है, सेम लेवल पे काम करेंगे। इसमें बेसिकली सभी एज अ टीम काम करेंगे, क्योंकि सभी कोलीग है। इसमें किसी को अपने स्टेटस के बारे में चिंता नहीं होती, क्योंकि कोई किसी का बॉस नहीं है। इसमें सभी क्या है, सेम लेवल पे, सभी एज अ पार्टनर्स काम करते हैं। इसमें मैनेजमेंट किसे प्रमोट करता है, टीम वर्क को प्रमोट करता है। और इसमें मैनेजमेंट का मेन रोल क्या होता है, गाइडलाइन देना। ठीक है, मैनेजमेंट का मेन रोल क्या होता है, गाइडलाइन देना, और ये देखना कि टीम में सभी मेंबर का एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, कि टीम में जो भी मेंबर है क्या वो अपने इंडिविजुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या वो एक रिस्पॉन्सिबल एक स्टैंडर्ड बिहेवियर अडॉप्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है गाइडलाइन देखना, और ये देखना क्या टीम में सभी मेंबर एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्या वो अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है,
तो ये बेसिकली मैनेजमेंट को देखना होता है कि टीम में हर एक मेंबर अपने बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और इसमें क्या है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई किसी का बॉस नहीं होता, सभी एज अ कलीग काम करते हैं। ओके, सभी क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आपका फोर्थ मॉडल है। अब लास्ट मॉडल क्या है, सिस्टम मॉडल। जो आजकल मॉडल चलता है ऑटोक्रेटिक मॉडल का सबसे पुराना मॉडल है, ट्रेडिशनल लेवल पे चलता था, जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है, जो आजकल भी चलता है बड़े ट्रेंड में, वो आपका सिस्टम मॉडल है। ये इतना ज्यादा ट्रेंड में क्यों है, इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे एनवायरमेंट को देखते हुए, टीम के एनवायरमेंट को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखते हुए, मैनेजमेंट ने ये कंक्लूजन निकाला, इस बात को कंसिडर किया कि हर इंडिविजुअल क्या दूसरे से डिफरेंट है। ध्यान से सुनना, इसमें क्या है, मैनेजमेंट इस बात को कंसीडर करता है कि हर इंडिविजुअल क्या एक दूसरे से डिफरेंट है, हर एक के डिफरेंट गोल है, हर एक का डिफरेंट टैलेंट है, और हर एक का डिफरेंट क्या पोटेंशियल है। हर एक इंडिविजुअल दूसरे से अलग है, सबके डिफरेंट नीड है, सबके डिफरेंट गोल है, सबके डिफरेंट टैलेंट है, सबके डिफरेंट पोटेंशियल है। वो क्या करता है, इंडिविजुअल के जो ये टैलेंट है ना, इंडिविजुअल का जो टैलेंट है, इनको जो इंडिविजुअल का जो गोल है, इंडिविजुअल के गोल में और ऑर्गेनाइजेशन के गोल में क्या करता है, बैलेंस बना के चलता है। वो इंडिविजुअल के गोल को और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मिला के चलता है। वो उसकी कोशिश ये करते हैं कि इंडिविजुअल का गोल और ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक ही हो जाए। ओके, इसके लिए वो क्या करता है, हर एक इंडिविजुअल के टैलेंट को, पोटेंशियल को वो वैल्यू देता है। इसमें क्या है, इंडिविजुअल को भी लगता है कि हमारे टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, हमारे पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया जाता है, इंडिविजुअल के उसी टैलेंट को, उसी पोटेंशियल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट में यूज करता है, ताकि इंडिविजुअल को ऐसा ना लगे कि वो आइसोलेट है, वो उसे ऐसा लगे कि वो भी क्या ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम का पार्ट है, वो इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक सब सिस्टम है। ठीक है, उसे ऐसा लगे कि वो एज अ सिस्टम काम कर रहा है, उसे ऐसा ना लगे कि वो आइसोलेट होकर काम कर रहा है, वो अकेला होकर काम कर रहा है। इसलिए मैनेजमेंट क्या करता है, इंडिविजुअल के गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मर्ज कर देता है, ताकि इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन गोल एक ही हो जाए, वो एक ही डायरेक्शन में चले, वो एज अ सिस्टम वर्क करे। तो इसके लिए मैनेजमेंट क्या करता है, जो इंडिविजुअल के गोल्स होते हैं और इंडिविजुअल का जो टैलेंट होता है, जो उनका पोटेंशियल होता है, उनको वैल्यूज देता है, उनको आइडेंटिफाई करता है। और ये जो सिस्टम मॉडल है, बेस्ड किस पे होता है, ट्रस्ट पे एंड अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। ठीक है, मैनेजमेंट इंडिविजुअल के गोल को आइडेंटिफाई करेगा, उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई करेगा, उनके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करेगा, उनके उन पे ट्रस्ट अरेज करेगा, तभी तो उसी टैलेंट को वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट के लिए यूज कर रहा है। अगर उसे इंडिविजुअल के टैलेंट पे ट्रस्ट ही नहीं है, तो क्या वो उस टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए यूज कर सकता, नहीं कर सकता। तो ये किस पे बेस्ड होता है, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पे। मैनेजमेंट को क्या होता है, इंडिविजुअल के पोटेंशियल पे, उसके टैलेंट पे क्या होता है, ट्रस्ट होता है, तभी वो उस पोटेंशियल को यूज करता है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीवमेंट के लिए। तो बेसिकली किस पे, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होता है। इसमें मैनेजमेंट इस बात को समझता है कि हर इंडिविजुअल क्या दूसरे डिफरेंट है, सबके डिफरेंट गोल है, सबके डिफरेंट पैशन है, सबके डिफरेंट टैलेंट है, वो उनको वैल्यू देता है। ये बढ़कर है, ये सिक्योरिटी और मनी, जो मनी है, सिक्योरिटी है, ऑर्डर, तो सबसे ये बढ़कर है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, मैनेजमेंट क्या करता है, इंडिविजुअल के डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है, उनको वैल्यू देता है, और उन्हीं टैलेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करता है, ताकि इंडिविजुअल को ऐसा लगे कि वो उस सिस्टम ही, इसका नाम सिस्टम मॉडल रखा है, ताकि इंडिविजुअल को ऐसा लगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एक सिस्टम का ही सब सिस्टम है, वो सिस्टम का पार्ट है, वो आइसोलेट नहीं है। तभी मैनेजमेंट क्या करता है, बैलेंस बना के चलता है इंडिविजुअल गोल में और ऑर्गेनाइजेशन गोल में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्टम मॉडल, जो आजकल लेटेस्ट वर्ड में भी यूज हो रहा है। आई थिंक आपको समझ में आएंगे ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल। थैंक यू।